नमस्ते दोस्तों, मैं जयती एंड स्वागत है आपका ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी ऑफ अ मॉम के नए चैप्टर में। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट किया है ऑलमोस्ट अ मंथ बैक एंड मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। मैंने रिजल्ट का रील डाला और उस पर भी आप लोगों ने काफ़ी अच्छे कमेंट्स किए और काफ़ी सपोर्ट भी दिखा और काफ़ी सवाल भी आया। तो वैसे तो मैं इसको बहुत मतलब छोटे छोटे चैप्टर्स में तोड़ने वाली थी, लेकिन मुझे लगता है यार मुझे थोड़ा फटाफट करना पड़ेगा ताकि आप लोग भी इंस्पिरेशन लो और अपना ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू करो। तो इस चैप्टर में हम बात करने वाले, जैसा कि आप देख ही चुके होंगे, अबाउट माई वर्कआउट रूटीन। तो उसके पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ। ओके, सो मेरे दो बेबीज हैं और दोनों के दोनों सी सेक्शन से हुए हैं एंड दूसरा बेबी जो सबसे छोटा बेबी है वो अभी 2 साल का ही है और उसने अभी ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ा है। और अफकोर्स हम मतलब जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, हम अलग रहते हैं। दैट इज़ द रीज़न मुझे ज़्यादा टाइम बच्चों के पीछे देना रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम जिम में देना या वर्कआउट पे देना मेरे लिए इजी नहीं था। तो मुझे एक ऐसा ऑप्शन चाहिए था जिसमें मैं वर्कआउट तो कर पाऊँ लेकिन बच्चों पे भी ध्यान दे पाऊँ। एंड दूसरी बात, जिम हिट करना, वेट ट्रेनिंग वगैरह करना, ये मैंने कभी किया नहीं है, सो मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। बहुत सारी औरतें होती हैं जो करती हैं जिनके लिए बहुत इजी रहता है, हैट्स ऑफ टू देम, लेकिन मैंने कभी आज तक लाइफ में जिम नहीं गई थी तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है जिम जान के करना क्या है और काफ़ी डर लगता है मुझे वो इक्विपमेंट्स देख के। दैट्स वाई आई चोज योगा। योगा हमेशा से मेरा गो टू रहा है। इनफैक्ट फर्स्ट बेबी के बाद भी मैंने योगा के थ्रू ही अपना वेट लूज किया था एंड सेकेंड बेबी के बाद भी मैंने योगा को ही अपना सल्यूशन बनाया है। बट अगेन नॉट ओनली योगा, क्योंकि हमारी जो मैम है मरीना मैम, जो मेरी कोच भी हैं और जो हमें योगा सिखाती हैं, योगा प्रैक्टिस करवाती हैं, वो हमें मिक्स करके देती हैं कार्डियो प्लस योगा। तो ऑफ कोर्स हम स्टार्ट करते हैं योगा से एंड देन हम थोड़ा सा कार्डियो करते हैं, हम स्ट्रेचिंग करते हैं और ये एक कम्प्लीट पैकेज होता है अराउंड 1 आवर 15 मिनट्स और 1 आवर 20 मिनट्स तक जाता है। सुबह का ये इतना सा टाइम मैं खुद को देती हूँ एंड ये मुझे पूरे दिन के लिए बड़ा एनर्जेटिक फील करा देता है। और एक बात मैं आपको बता दूँ, देखो अगर आपको वेट लूज करना है ना तो इट्स ओनली 20% अबाउट वॉट यू डू लाइक वर्कआउट एंड फिजिकल एक्टिविटी। अगर 80% जो आता है ना आपके खान पान पे डिपेंड करता है, लेकिन अगेन ये जो 20% है ना ये आपको फोकस्ड रखता है कि आप उस 80% को ध्यान में रखो। ओके, इसीलिए ये 20% को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो मैं अगर अपने रूटीन के बारे में बात करूं तो मैं सुबह योगा के लिए जाती हूं, शिवन्या को स्कूल छोड़ने के बाद मैं योगा के लिए जाती हूं एंड मैं साइड बाय साइड अपने योगा के थोड़े बहुत वीडियोस भी आपके साथ शेयर कर रही हूं ताकि आपको एक आइडिया आ जाए। अगर आप न्यू मॉम हो तो डेफिनेटली योगा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, यू कैन ट्राई। एंड इसके बाद हम थोड़ा सा कार्डियो करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं और वेट ट्रेनिंग मतलब सेल्फ बॉडी का वेट से ही हम ट्रेनिंग करते हैं, कोई इक्विपमेंट लेकर नहीं करते हैं। छोटे छोटे डंबल्स होते हैं विच आर वेरी लाइट, 1 kg। और इसके अलावा आपको पूरे दिन एक्टिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आप वर्कआउट करके आए उसके बस आप आराम से अपना खा पी के सो गए, ऐसा नहीं होता है। आपको थ्रू आउट द डे आपको एक्टिव रहना है, जितना हो सकता है चलो ऊपर नीचे, फ़ोन पे बात करो तो चलो। हमारा 2 फ्लोर का घर है तो मैं नॉन स्टॉप ऊपर नीचे करती रहती हूँ, बिना रीज़न के भी करती हूँ, एक एक दो दो बर्तन ले आने ले जाने के लिए भी करती हूँ ताकि मेरा वो यू नो एक्टिविटी चलती रहे। इसके अलावा कपालभाति, दोस्तों मेरे को लिटरली योगा में ना सबसे बोरिंग लगता है कपाल भाती, मतलब पर्सनली लगता था, बट जब से मैंने इसके एडवांटेजेस के बारे में सुना है ना, ये वेट लॉस में कितनी अच्छे से हेल्प करता है ना, तब से मैंने इसको रेगुलरली करना शुरू कर दिया। और हमारे क्लास का रूल है, लाइक मरीना मैम का रूल है कि आपको सुबह 600 से 700 या इनफैक्ट 800 भी आपको करना है कपाल भाती एंड देन ओनली यू विल स्टार्ट विथ ऑल द अलग अलग आसनास। एंड ऑफ कोर्स एक दिन में हम एक बॉडी पार्ट को लाइक अपर बॉडी लोअर बॉडी इस तरह से हम अलग अलग कर करके मेंटेन करते हैं, साथ ही साथ हम फेस योगा भी करते हैं, तो ये पूरा रूटीन रहता है। तो अगर आपके घर के आसपास कोई योगा क्लास है प्लीज़ ज्वाइन कर लो, और अगर योगा क्लास नहीं है तो आप ऑनलाइन योगा देख कर भी कर सकते हो। एनी हाउ यू हैव टू बी एक्टिव फॉर एटलीस्ट, एकदम जो बोलते हैं ना पूरी तरह से एक्टिव रहना है आपको 1 से 1.5 घंटे के लिए दिन में, और बाकी आपको थ्रू आउट द डे थोड़ा थोड़ा एक्टिविटी करते रहना है। इट्स रियली गोइंग टू हेल्प। ऑल द बेस्ट। मैं रेगुलरली स्टोरीज डाल रही हूँ इंस्टा पे, तो हमें इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करो। मैं अपने सारे के सारे जो भी ग्रो लाइक प्रोग्रेस हो रहा है मैं उसके बारे में स्टोरीज डाल रही हूँ, मैं अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर उसको मैंशन कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू रीच आउट टू एज मैनी पीपल एज आई कैन,
क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग भी इससे इंस्पिरेशन लो एंड 2024 खत्म होने के पहले अपना न्यू वर्जन से मिलो, ताकि जब 2025 आए ना तो अगेन उस साल में आपको ये रेजोल्यूशन ना रखना पड़े कि मुझे वेट कम करना है. सो प्लीज गाइज टेक दिस टाइम, टाइम आ गया है, 100 डेज बचे हैं एंड 100 डेज में यू कैन डू द मैजिक, आई बिलीव यू, प्लीज गो अहेड. थैंक यू सो मच, हैव